पुत्र हनुमान आयुष्मान भव। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मुझे पहचाना नहीं? कैसे नहीं पहचानूंगा, आप पवन देव हैं। आप ही मुझे सूर्यलोक ले गए थे। आहत आने पर आप ही ने मेरी प्राणों की रक्षा की थी, मुझे नवजीवन दिया। नवजीवन? नहीं हनुमान, तुम्हें कोई क्या नवजीवन देगा? तुम तो अजर अमर हो। तुम्हारा सूर्यलोक जाना, इंद्रदेव का प्रहार करना और तुम्हारा घायल होना, ये सब तो तुम्हें देवताओं से वरदान दिलाने का निमित्त था। सच तो ये है कि ना ही कोई तुम्हें घायल कर सकता है, ना ही कोई मार सकता है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कितने शक्तिमान हो। आप मेरे पालक पिता हैं, आप ही की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ। परंतु आप इस समय यहाँ कैसे प्रकट हुए? राक्षसों की नई हलचल ने मुझे चिंता में डाल दिया हनुमान। राक्षसों की हलचल? इन राक्षसों में कहीं रावण तो नहीं है? नहीं, रावण तो अभी तक तपस्या में लगा हुआ है, परंतु उसका नाना सोमाली शक्तिशाली समरासुर के साथ मिलकर देवताओं पर आक्रमण की योजना बना रहा है। देवताओं पर आक्रमण? हाँ हाँ, अब याद आया, रावण के नाना सोमाली और उसके भाई को तो मैं इस गदा से पीट चुका हूँ। तुम तीनों को पीट चुके हो? कब, कहाँ? रावण के तपस्थल पर कुछ ही दिनों पहले। तुम वहाँ भी पहुँच गए? आप कहे तो मैं कहीं भी जाकर इस गदा का चमत्कार दिखा सकता हूँ। जब दुष्ट राक्षस आक्रमण करे तब मुझे सामने कर दीजिएगा, एक एक को इस गदा से मारकर भगा दूंगा। नहीं हनुमान, तुम अभी बालक हो, तुम्हें युद्ध पर ले जाना उचित नहीं होगा। मैं इस समय अयोध्या नरेश के पास जा रहा हूँ, इस समय वे ही देवताओं की सहायता कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, परंतु मैं देवताओं की सहायता के लिए सदा तैयार हूँ, जब चाहे बुला लीजिए। तुम सदा धर्म और धर्मात्माओं के साथ रहोगे और उनकी सहायता करोगे, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ हनुमान, मुझे शीघ्र अयोध्या पहुँचना है। प्रणाम पालक पिता, ऐसे ही दर्शन दिया करें अपने उस बालक को, मुझे आपके दर्शन पाकर बड़ा सुख मिलता है। अवश्य, तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। प्रणाम पवन देव।